नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक प्रेमी युगल ने गंग नहर में छलांग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि युवक ने प्रेमिका के साथ नहर में कूदने से पहले अपने भाई को फोन कर आत्महत्या करने की जानकारी दे दी थी। घटना के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंग नहर में कूदे प्रेमी युगल को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया, मगर आज 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रेमी युगल में से किसी का भी शव नहर में बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों प्रेमी युगल को तलाशने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रही है। कल शाम की घटना है, भोपा थाना क्षेत्र की। युवक युवती बाइक से आ रहे थे, उन्होंने बाइक खड़ी करके नहर में छलांग लगा दी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची, पुलिस ने वहां पर गोताखोर की मदद से ढूंढने का प्रयास किया। अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, जैसे मिलेगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और क्यों उन्होंने आत्महत्या किया, क्या प्रयास किया आत्महत्या की, उसमें इसकी भी जानकारी की जा रही है। रीजन्स क्या थे, वजह क्या थी, पता किया जा रहा है। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, जैसे होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर